नमस्कार, मैं शमशेर कुमार प्रजापति मिश्रीवाला का निवासी हूं। आज जिस दिन से ये लॉकडाउन हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस दिन से निर्देश दिया हुआ कि हमने घर पे रहना है, लॉकडाउन रखना है, उसी दिन से मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि जितना हो सके घर से बाहर ना निकलें। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो आप हमारी टीम, जो मिश्रीवाला में सिविल सोसाइटी की टीम है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है, उस दिन से लगातार डेली की 50 से 60 70 80 डिलीवरीज जो हैं घर घर पर राशन पहुंचा रहे हैं। और सबसे पहले हमने प्रायोरिटी दी हुई है जो हमारे यहाँ पे विडोज लेडी हैं, विधवाएँ हैं और हैंडीकैप्स जो हैं, जो अपने शारीरिक रूप से काम करने में असमर्थ हैं, उनको हम ज़्यादातर उनको प्रायोरिटी पे रख रहे हैं। आज भी हमने अभी हम कोई 40 लोगों को डिलीवरी देकर हम अभी यहाँ पे अपने स्टोर पे पहुँचे हैं। हमारे साथ ये सारी टीम जो है, बहुत अच्छा कम्बिनेशन चल रहा है हमारा। और हमने किसी भी गवर्नमेंट से, किसी से भी, कोई सरकारी तंत्र से कोई मदद नहीं मिल रही है हमें अब तक। हम खुद अपनी जेब से ये पैसे कलेक्ट करके ये सारा जो मटेरियल, जो राशन है, हम खुद वितरण कर रहे हैं। और अभी हमारे यहाँ पे मिश्रीवाला में कम से कम 500 झुग्गी जो है, बाहर के बिहारी लोग हैं, जो मजदूर लेबर, वो रह रही है। हमने 3-4 दिन से साहेबंदगी आश्रम है हमारे साथ, इनके साथ मिलकर यहाँ पे उनके लिए लंगर की व्यवस्था की थी। आज भी लंगर चल रहा है, तब से लंगर चल रहा है हमारा उनके लिए। और कल हमने जो हमारे यहाँ पे SDM कोतवाल जी हैं और हमारे जो तहसीलदार भलवाल रफ़ीक अहमद जराल जी, हमने उनको उन झुग्गियों की जो लिस्टें थी वो बना के दी थी। कल हमारे जो तहसीलदार जी हैं वो आए थे, उन्होंने यहाँ पे रह रहे जो मजदूर हैं उनको काफ़ी अच्छी संख्या में, कोई 60 से 70 जो थे, उन परिवारों को भी राशन दिया। मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगा कि साथियों, जितना हो सके उतनी मदद कीजिए और जितना हो सके इस लॉकडाउन का पालन कीजिए। कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो हमें कॉल कर लीजिए। नमस्कार, मैं Ex-Sarpanch गुरबचन सिंह मिश्रीवाला से। ये जो आज आपने गरीबों को राशन बांटा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में हम ये बताना चाहते हैं, जब से आज से 20 दिन पहले जब से लॉकडाउन हुआ है, जो गवर्नमेंट ने हदायतें दी हैं उसकी वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो हमारे गरीब लोग हैं, विधवा हैं या हैंडीक्राफ्ट हैं, हमारी जो सिविल सोसाइटी मिश्रीवाला से बिलोंग कर रही है, जिसमें हमारे राम मोहम्मद जी, शमशेर प्रजापति जी, दीपदयाल जी और भी हमारे साथ सदस्य हैं, जिन्हों के 15 लोगों की टीम है, हमने आपस में कलेक्शन करके हमने यही निर्णय लिया है कि जब तक लॉकडाउन समाप्त नहीं होगा तब तक हमने पहले प्रायोरिटी पे जो विधवा औरतें हैं, हैंडीक्राफ्ट हैं, हम उनको डेली 60-70 बैग दाल सब्जी हम उनको दे रहे हैं। हमारा यही टीचा है, जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं होगा तब तक जो हमारी जो स्ट्रगल है, तब तक जो हमारी सेवा है वो चलती रहेगी। हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे नंबर पे कनेक्ट करो, जिसको भी ज़रूरत होगी हम तब तक सेवा करेंगे जब तक दम है हमारे में। हम यही चाहते हैं कि हमारे जो नौजवान हैं उनको भी मैं बेनती करूँगा, ऐसे ही लोगों की सेवा करें, सबसे विधवाओं और हैंडीक्राफ्ट को करेंगे। जिसको भी राशन चाहिए वो हमारे से कनेक्ट करें, सिविल सोसाइटी मिश्रीवाला से। हमारे साथ जो SP रूलर हैं सूरन सिंह जी, SDP दवा कौशल जी, हमारे SHO पुलिस स्टेशन करना चाहिए रवि परिहार सिंह जी, वो भी हमारे साथ जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसकी वजह से जब तक लॉकडाउन समाप्त नहीं होगा हम सेवा करेंगे, उसके बाद और भी अगर सेवा चाहिए हम करने को तैयार हैं। सुरेश कुमार है, रामधूमपुर का रहने वाला हूँ, इधर मजदूरी करता हूँ। ये हमारे को, हमारे पास आई थी, हमारी लिस्ट ली है और हमारे को बोला था कि किसी भी किस्म की परेशानी होगी आप हमें कॉन्टैक्ट कर लो, राशन कुछ भी आपको पड़ेगी तो ये हमारी सेवा कर रही है।